नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। पूरे 5 साल राफेल की आग जलती रही। आग इतनी बढ़ गई थी कि विपक्ष ने चौकीदार को ही चोर बता डाला और अब तो वैसे भी विपक्ष को फिर से मौका मिल गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आज पहले चरण के मतदान है लेकिन पूरे देश में राफेल जहां देखो वहां पर राफेल मुद्दे पर बात चल रही है। पहले कभी बोफोर्स पर बात चला करती थी पर अब देश में राफेल मुद्दे ने फिर राजनीति को गर्मा दिया है। इस राफेल नाम की जड़ ने मोदी सरकार की नाप में मानो की दम कर रखा है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है लेकिन हो कुछ भी, इस राफेल ने अपनी चादर में सभी बुनियादी मुद्दे ढक दिए थे। नोटबंदी पर बात नहीं हो रही थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे राफेल की आग ने जला दिए थे। अगर राफेल पर बात हो भी रही थी तो कोई ठीक से नहीं समझा पा रहा था कि असल ये मुद्दा ये है क्या, क्या कब से शुरुआत हुई, कब हुई, देश की जनता के मन में राफेल को लेकर क्या सवाल पनपते हैं, कुछ सुनता ही नहीं। इसलिए आज हम आपको राफेल मुद्दे को लेकर जितने भी सवाल बनते हैं उन सबके जवाब देंगे और इस पूरे मुद्दे को सरलता से आपको समझाएंगे। पहला सवाल, इस मुद्दे की कहां से शुरुआत हुई? वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रंस की जरूरत थी लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता घटकर महज 34 स्क्वाड्रंस ही रह गई थी। इसलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने। रक्षा खरीद परिषद जिसके मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी थे, उन्होंने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दी थी। यहां से ही बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का आरएफपी जारी किया गया। राफेल को सबसे बड़ी खासियत यह है राफेल की कि यह 3800 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, 6 फाइटर में से राफेल को ही क्यों चुना? यह डील उस मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम का हिस्सा है जिससे रक्षा मंत्रालय की ओर से इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सुखोई के बीच मौजूद अंतर को खत्म करने के मकसद से शुरू किया गया था। MMRCA के कंपटीशन में अमेरिका के बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, फ्रांस का डसॉल्ट राफेल, ब्रिटेन का यूरोफाइटर, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-16 फाल्कन, रूस का मिखोयान MiG-35 और स्वीडन के साब जैसे 39 ग्रिपेन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थी। 6 फाइटर जेट्स के बीच राफेल को इसलिए चुना गया क्योंकि राफेल की कीमत बाकी जेट्स की तुलना में काफी कम थी। इसके अलावा इसका रखरखाव भी बाकी जेट्स की तुलना में काफी सस्ता था। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, आखिर कई साल डील लटकी क्यों रही? जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसको 10 बार देखते हैं, परखते हैं, ठीक उसी तरह भारतीय वायुसेना ने भी कई विमानों के तकनीकी परीक्षण किए, मूल्यांकन किए और जब कुछ पूरा हो गया, संतुष्टि हो गई तो साल 2011 में यह घोषणा की कि फ्रांस का राफेल और ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून उसके मानदंड पर खरे उतरे हैं। जब दोनों विमानों में से एक को चुनना था तो उस राफेल को चुना गया। साल 2012 में राफेल को सबसे बढ़िया विमान भी घोषित किया गया और इसके मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हो गई लेकिन आरएफपी अनुपालन और लागत से जुड़े कई मसलों की वजह से साल 2014 तक यह बातचीत अधूरी ही रही। चौथा सवाल, आखिर यह डील यूपीए सरकार में क्यों नहीं हो पाई थी? यूपीए सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बन गया था। डसॉल्ट एविएशन भारत में बनने वाले 108 विमानों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। डसॉल्ट का कहना था कि भारत में विमानों के उत्पादन के लिए 3 करोड़ मानव घंटों की जरूरत होगी लेकिन HAL ने इसके 3 गुना ज्यादा मानव घंटों की जरूरत बताई जिसके कारण लागत कई गुना बढ़ जानी थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ समझौता। साल 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ यानी नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किए। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाई अवे यानी उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात कही। समझौते के अनुसार
दोनों देश विमानों की आपूर्ति की शर्तों के लिए एक अंतर सरकारी समझौता करने को भी सहमत हुए थे। कीमत को लेकर यूपीए और एनडीए सरकार के दावे। एनडीए सरकार ने दावा किया कि यह सौदा उसने यूपीए से ज्यादा बेहतर कीमत में किया है और करीब 12,600 करोड़ रुपए बचाए हैं। सरकार का दावा है कि पहले भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लाइसेंस देने की बात थी, लेकिन मौजूदा समझौते में मेक इन इंडिया पहल किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी, लेकिन मीडिया में आई तमाम खबरों में यह दावा किया गया है कि यह पूरा सौदा 7.8 अरब रुपए यानी 58,000 करोड़ रुपए का हुआ है और इसकी 15% लागत एडवांस में भी दे दी गई। भारत को इसके साथ स्पेयर पार्ट और मेटोर मिसाइल जैसे हथियार भी मिलेंगे जिन्हें काफी उन्नत माना जाता है। बताया जाता है कि यह मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान को भी मार गिरा सकती है। अभी चीन या पाकिस्तान किसी के पास भी इतना उन्नत विमान सिस्टम नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए बचा लिए हैं तो उसे आंकड़े सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। बात भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यूपीए 126 विमान के लिए 54,000 करोड़ रुपए दे रही थी, जबकि मोदी सरकार सिर्फ 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ रुपए दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक प्लेन की कीमत 1555 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस 428 करोड़ रुपए में खरीद रही थी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के सौदे में मेक इन इंडिया का कोई प्रावधान ही नहीं है। एचएएल बनाम अनिल अंबानी की कंपनी। सौदे के आलोचकों का कहना है कि यूपीए के सौदे में विमानों के भारत में असेंबलिंग में सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शामिल करने की बात थी। भारत में यही कंपनी है जो सैन्य विमान बनाती है, लेकिन एनडीए के सौदे में एचएएल को बाहर कर इस काम को अनिल अंबानी की कंपनी को सौंपने की बात कही गई है। और बात में दम भी है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कई सालों का तजुर्बा भी है विमान बनाने का। उसके बावजूद एक अनाड़ी नई निजी कंपनी को शामिल करना, जिसको खुले हुए महज 15 दिन ही हुए थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। कांग्रेस का इस मामले को लेकर आरोप भी है कि एनडीए सरकार एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचा रही है। इस डील में ऑफसेट क्लोज क्या है, यह भी समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। ऑफसेट क्लोज के मुताबिक फ्रांस इस करार की कुल राशि का करीब 50% भारत में रक्षा उपकरणों और इससे जुड़ी दूसरी चीजों में निवेश करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये राफेल का बवाल पूरा समझ आ गया होगा और जो भी आपके जहन में सवाल बन रहे होंगे, हमने आपका बड़ी उसकी सरलता से आपको जवाब दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा से सुनवाई करेगा। फिलहाल इस मुद्दे का परिणाम जो भी हो, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में भी है। वो सवाल है कि राफेल का मुद्दा इन लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब तो वैसे भी हमारा पंजाब केसरी.com एप्लीकेशन आ चुका है, उसे भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।